चलिए बुलाते हैं देवी उर्फ देवनश्रिया फ्रॉम टीम दानिश। क्या कहेंगे आप? ओ गॉड, आपकी बेस्ट बात देवी ये है कि आप जो सॉन्ग है ना, सॉन्ग की एक एक बारीकी जो होती है ना, उसको पकड़ के आप गाते हो। कहाँ पे कैसे जाना है, कैसे इमोशंस डालने हैं, क्या डायनामिक्स हैं, वो सब लास्ट में आप वो बिल्कुल माइक को दूर करके आपने वो इतने अच्छे से वो लाइंस ली ना, जब आपने ख़त्म कर रही थी आप। ओ माय गॉड, मोस्ट इंटेलिजेंट सिंगर आई हैव सीन इन दिस शो। मीनाक्षी मैम, आप क्या कहेंगी हमारी प्यारी सी देवी के बारे में? ये नाम देवी है ना, मंदिर में देवी की मूर्ति होती है और हम उस देवी की मूर्ति की खूबसूरती को देखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। उस देवी की अगर अपनी एक वाणी होती, अपनी एक आवाज होती, मुझे लगता है कि वो इस देवी के वॉइस में है। थैंक यू मैम, ग्रेट जॉब। थैंक यू मैम, आपने बहुत काम मचा दिया। अब वो भूकंप जिसे मैंने पूछा कि माँ से श्रेष्ठ इस संसार में कौन है, तो कहती मैं ठीक हूं।
मैंने कहा माँ को भगवान ने क्या शक्ति दी है बेटा, तो कहती मैं ठीक हूँ। हे भगवान, कब खत्म होगी इसकी हिंदी सीखने की प्रक्रिया? शरद श्री की पुत्री देवी उर्फ देवनश्रिया फ्रॉम टीम दानिश। बिटिया, लेटर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पढ़ के सुना दोगे? हाँ। हिंदी में? हाँ, हिंदी में। हिंदी में? हाँ। हिंदी में? हिंदी में। मैं ठीक हूँ। सुनाओ। ओके। तो अम्मा, मुझे पता है आप घर को और पापा को कितने मिस कर रहे हो, लेकिन आप उनसे दूर रहकर मेरे पास रहे हो ताकि मैं शो में आगे जाऊं, उसके लिए थैंक यू अम्मा। हम दोनों इधर मुंबई आए तब हमको हिंदी नहीं आता था, लेकिन आपने हिंदी सीखा ताकि मुझे हिंदी सिखा सको, उसके लिए थैंक यू अम्मा। और मुझे पता है आपके बहुत ड्रीम्स था, लेकिन आपने सब मेरे लिए सैक्रिफाइस किया अम्मा। आई होप नेक्स्ट लाइफ में आपके मेरी बेटी बनाओ ताकि मैं भी आपके लिए सैक्रिफाइस करूं और आपको स्टार बनाऊं। आई लव यू सो मच अम्मा। I don't know what to say. I'm feeling very happy. Love you so much. Umma. Love you too, Umma. कोरी कोड की सरज श्री को कला अपने पिता से विरासत में मिली थी। पिता मंदिर में भजन करते थे, तब अलग अलग पर्वों पर बेटी मंदिर में ही भरतनाट्यम किया करती थी। वो अपने भरतनाट्यम का दायरा मंदिर के अहातों से पूरे भारत के हर क्लासिकल स्टेज तक ले जाना चाहती थी। फिर दस्तूर ने कहानी में एंट्री मारी और सपनों ने एग्जिट। सरस्वती का ब्याह हो गया। जो बिंदास केरला में घूमा करती थी, उनकी जिंदगी सिर्फ बेटी देवनश्रिय के इर्द गिर्द घूमने लगी। अपने लिए सपने देखने का समय कहां मिलता, दिन रात जगने के लिए वजह जो मिल गई। आज भरतनाट्यम की बात कहो तो माँ के लिए वो आज एक गुजरा हुआ जमाना हो गया है, लेकिन आज नहीं, क्योंकि सुपरस्टार सिंगर उनको दे रहा है फिर से वो मंच जिसे वो खुद भूल चुकी थी। आज पांव में फिर घुंघरू बांधे, आज फिर श्रृंगार करने का मौका मिला, आज फिर से जीने की तमन्ना जाग उठी।
क्या बात है। तो वैसे तो बच्चे अच्छा ही गाते हैं, लेकिन जब माँ के लिए गाते हैं तो एक अलग, एक दिल में एक अलग फीलिंग आती है, क्या बात है। माँ से बड़ा तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं मैं तुझे एक वरदान देता हूँ, तुझे क्या चाहिए, तो मैं कहूंगी मुझे देवनश्रिया जैसी बेटी चाहिए। देवनश्रिया आप में वो सब है जो एक ब्लेस्ड बच्चे में होना चाहिए। आपकी इतनी प्यारी सी माँ है जिन्होंने एक सपना देखा था पूरे भारत में परफॉर्म करें, वो सपना आप आगे लेकर जाओगी और आप सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में परफॉर्म करोगी। ये भी हो सकता है कि लोग देवनश्रिया को गाने के लिए बुलाएं और आपको नृत्य के लिए बुलाएं, यू नेवर नो। ऑल माय लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू एंड आवर लिटिल देवी। आपकी देवी ने वो कम मचा दिया। मुझे वोट करने के लिए डाउनलोड या अपडेट कीजिए सोनी लिव ऐप। वोटिंग लाइंस खुली है आज रात 12 बजे तक, सो प्लीज वोट नाउ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।